सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो भक्ति संगम कार्यक्रम को आपण मानक समस्त स्वागत आमे मध्ययुगीय वैष्णवीय काव्य कविता क्षेत्र में गोपाल कृष्ण अन्यतम बनमाली गोपाल कृष्ण कविसूर्य बलदेव रथ उपेन्द्र भंज सालवेग प्रमुख बहु काव्य कविता ओडिसी छांद चौपदी चौतीसा रचना करिचंती गोपाल कृष्ण श्याम को जुहार तार प्रेम को जुहार कविताटी अति सुंदर भावपूर्ण आम पाखे अच्छा सुश्री विजयलक्ष्मी राउतराय से संगीत को से परेषण करेंगे मु अनुरोध करुच्ची श्याम को जुहार तार प्रेम को जुहार कविता गान करे श्याम को जुहार तार प्रेम को जुहार कृष्ण रचन श्याम को जुहार एवं तार प्रेम को जुहार करा जाई प्रेम संपर्क रे गोटे दुईटी कथा अच्छी सुंदर भाव में विदग्ध चिंतामणि काव्य अभिमन्यु सामंत सिंघार गोटे पद लिखिंट अपराकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी आम पार्थिव प्रेम एवं आउ गोटे हूँ अपार्थिव प्रेम दिव्य प्रेम से ही दिव्य प्रेम नायक होउचंती श्याम सुंदर एवं से ही दिव्य प्रेम नायिका होउचंती माँ राधाराणी राधाराणी होउचंती ह्रादिनी शक्ति प्रेम अर्थात भगवान श्रीकृष्ण जो तीनोटी शक्ति तीनोटी शक्ति मधुर अन्यतम शक्ति होउचे ह्रादिनी शक्ति से ही ह्रादिनी शक्ति बा प्रेम शक्तिर नायिका होउचंती राधाराणी श्याम को जुहार श्याम सुंदर होउचंती श्याम वर्ण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जेपरी श्याम वर्ण भगवान विष्णु जे भली श्याम वर्ण समुद्र जे भली श्याम वर्ण दूर दिग्विजय जे भली पहाड़ पर्वत श्याम वर्ण दूर रु देखिले से भली श्याम को देखी राधाराणी भाव विगलित होती जो प्रेम अर्थात अप्राकृत जो प्रेम यही दिव्य भावपूर्ण प्रेम को जुहार करा जाई कवि कवि कंठरे कवि गोपाल कृष्ण तांकु जुहार कर श्याम सुंदर को जुहार करिसेंती मां राधाराणी को एवं जुहार मध्य करिसेंती से ही दिव्य प्रेम को एवं आमे द्वितीय पदरे देखिबा तार भीतर कथा को से प्रेमर जो अच्छी लालिमा से प्रेमर जो अच्छी लालित्य आमे परवर्ती पद को जीवा मु अनुरोध करी सुश्री विजयलक्ष्मी को से पुणी ता परवर्ती पद को जानतु चंद्रावाणी रसंगरी
कृष्ण जुहार करी कहुचंती श्याम सुंदर को जुहार करने सहित प्रेम को जुहार करी गोटे स्वतंत्र प्रसंगर अवतारणा करी कवि कहुचंती मु गोटे प्रसंग सुनी से प्रसंगटी हूँ चंद्रावली प्रसंग विभिन्न प्रसंगे जिते कारण भगवान श्रीकृष्ण तीनोटी पर्याय बढ़िया बढ़िया पर्याय से पर्यायर कौन है ना गोटे हूँ गोप पर्याय गोटे हूँ मथुरा पर्याय आ गोटे हूँ द्वारका पर्याय द्वारकार तो सी होती ऐश्वर्य ठाकुर किंतु गोपर से होती माधुर्यमय माधुर्य से जो लीला करी बंशी से मुरली ध्वनि कानन को चहटे द्वादश वन भितर निधुवन द्वादश वन भितर मधुवन द्वादश वन भितर वृंदावन द्वादश कुंज मध्य अष्टसखी से अष्टसखी सहित से विहरण करने को जाती गोटे सखी तर नित्य नायिका नित्य नित्य सिद्धा परिकर से हूँ चंद्रावली चंद्रावली कहती श्री राधा को चंद्रावली कहती नित्य सिद्धा नायिका को तो नित्य सिद्ध नायिका प्रथम नायिका हूँ माँ राधाराणी राधाराणी संपर्क हूँ जे चंद्रावली प्रसंगे गोटे कथा मुझे शुणी कारण कवि तो सत मिछ कर कहती कविता चातुरी रे मन मोहंती कविता पार्थिव स्तर में अच्छा ये गोटे प्रसंग नहीं कुंज भितर भगवान श्रीकृष्ण दैहिक कामना नुहे अपार्थिव कामन प्रेम प्रदान करी चंद्रावली को जो चंद्रावली को प्रेम प्रदान करी सहित जो केलिकुंज जो ललित्य लालिमा सृष्टि से संपर्क कहूँ जे चंद्रावली संपर्क श्रीकृष्ण जो विरह मिलन पर्याय सृष्टि ता नागरा बाजुची कौटी ना ब्रजरे आम बुझा दैहिक कामना जनित किंतु ये दैहिक कामना जनित नुहे ये हूँ अपार्थिव आम गोपाकृष्ण रचित श्याम को जुहार तार प्रेम को जुहार जो ओडिसी बा भक्ति संगीत शुणुले तार द्वितीय पद को जीवा एवं से द्वितीय पदर किपरि तार माधुर्य तार भक्ति तार सांगीतिकता तार लालिमा अच्छी शुणा विजयलक्ष्मी को अनुरोध करी द्वितीय पद को जीवाई श्याम को जुहार तार प्रेम को जुहार श्याम को जुहार मथुरा मथुरा को दधि बिकी जिबे गोपाळुणी माने जिबे षोल सहस्र गोपांगना सेमानकर बेउसा हला दधि बिकिबा गाई रखिबा गोमाता पूजा करिबा एवं तार गोरसरे दही छेना इत्यादि करिबा किंतु गोपर तो समस्तंक घरे गाई समस्तंक घरे दधि समस्तंक घरे कोठी बिक्री करिवे बिक्री करिबा को सेमाने जानती मथुरा को मथुरा को गला बेले से गोवर्धन देकरी जाती गोपाल कृष्ण बड़ा सुंदर भाव कहते मथुरा को जिते बड़े दधि बिकी जाती गोपाळुणी मान जिते पथरे जाऊँगी गुआली गुआली मान गोपाळुणी जो जाने पथरे से बाटर भेट हूँ कान्हा सहित श्याम सुंदर सहित कि चमत्कार भाव में गोपाल कृष्ण रचना करे ये गोपाळुणी मानू गोवर्धन भितर को तार गुहा भितर को नहीं जाती कौथिपाई नहीं जाती कौन दैहिक कामना करने दैहिक कामनार चरितार्थ नुहे
ସେ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମୀୟତା ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ତୃତୀୟ ଯୁଗର ଶ୍ରୀରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିବା ଷୋଳ ସହସ୍ର ଋଷି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଗୋପରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି କାହା କେଉଁଠିକି ନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୁହାରକୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୁହା ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତି, ଆଳାପ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଭଳି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ପଦ ଭିତରେ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଭିତରେ ଅପାର୍ଥିବ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖକୁ। ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ତାର ପ୍ରେମ ପଦରେ ଦେଖିଲେ ଦଧି ବିକି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଗୁଆଳିମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନିକଟରେ ଗୁହା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋପାଙ୍ଗନାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପାଙ୍ଗନାଟିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବରେ ତା ସହିତ ଆଳାପ କରିଛନ୍ତି, ହେଲିସକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋପାଳୁଣୀ କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ତ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଅଛି, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ହେ ନଟନାୟକର, ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ କା ଆଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଏକାନ୍ତରେ ନେଇ ଆସିଛ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଗୁହା ଭିତରକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିବି ନା, ମୋ ସଂସାର ବୁଡ଼ିଯିବ ନା। ତୁମେ ତ ହେଉଛ ସଂସାରୀ, ତୁମେ ଯଦି ମୁଁ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କା ଆଗରେ ଏକାନ୍ତରେ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ଭେଟ ପଡ଼ିଯାଏ, ଦେଖା ପଡ଼ିଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଧରି ଚାହିଁବି ନା, ଏ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟକୁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନା। ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୁହଁ କାହାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଲୌକିକ କଥା, ଏଇ ଲୌକିକ କଥା ଭିତରେ ଅଲୌକିକ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ତାର ପ୍ରେମକୁ ଜୁହାର କବିତାର ଶେଷ ଦୁଇ ପଦକୁ ଯିବା, ଏବଂ ଶେଷ ଦୁଇ ପଦ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ତାର ପ୍ରେମ
कहिले आज्ञा सूर्य, कालिंद जार कहिले कालिंद को पाखरु जात जे अर्थात सूर्य को कन्या होती जमुना। सूर्य कन्या जमुनार कूल रे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम एवं नटनागर फटिया नागर श्याम सुंदर श्रीकृष्ण बड़ चमत्कार भाव अत्यंत ललित भाव गोपाल कृष्ण लिखुं जितेबले एपटे कालिंदी अच्छी कालिंदी ह्रद कूल सेपटे अच्छी निप मूल निप कह कदम वृक्ष कदम्ब वृक्ष मूल जिते मुझे चाहदेली जिते सहित देखा ही गला कारण सी हूँ नील पद्म सदृश नील पद्म सदृश जमुनार जल मध्य नील कदम्ब वृक्ष कदम्बित होते कदम्ब वृक्ष मूल कालिंदी जल कूल देखा ही श्याम सुंदर से बड़े मुझे देखिकी पढ़े आसी कारण ब्रीड़ाजात हम ये हूँ भगवत पुरुष भगवान श्रीकृष्ण तुम जो दर्शन देखा हो जाए मुझे संगे संगे पलि कहीं पलि गोपाल कृष्ण लिखुं जे से मत ठारिकी डाकुं आस आस सखी आस डाकुं कहते मोर गोटे हार नि गोटे हार दौर तुमको बोली जो डाकुले मुझे पलि आसली एवं ता परपद देखा भणिता कर कविता प्राय शेष हो आस गोपाल कृष्ण किभली भणिता कर श्याम को जुहार तार प्रेम को जुहार माँ श्याम को जुहार गोपाल कृष्ण भासी स्वामीनी तुम्भ पाईसी गोपाल कृष्ण बड़ चमत्कार कथा सुधीजन दर्शक मंडली वैष्णवीय कवि गोपाल कृष्ण कहते स्वामिनी तुम्भ पाई से स्वामिनी कहले श्रीराधा श्रीराधाराणी आगो राधाराणी ते श्याम सुंदर केवल तुम पाई तंकर अवतार तुम पाई तुम्हें प्रेमर ठाकुराणी से प्रेमर पुरुष ब्रज विधु कहले ब्रजर हूँ विधु विधु कहले चंद्रमा ब्रजर विधु कहले भगवान कृष्णचंद्र ब्रज विधु होती सुरभी कहार माँ कहार कहले आज्ञा मेहेन्तर से तुम चाकर हाँ चाहती जमती लिखिंट देहीपद पल्लव मुदारम जमती रचना है द्वादश शताब्दी में जयदेव रचना कर हे राधाराणी तुम पादटी मो मुंड दि मु कृतार्थ हो जाए मु धन्य हो जाए से भली कहते गोपाल कृष्ण तंक भणितारे स्वामिनी राधाराणी तुम्हें ये दया करो से तुमको ब्रज विधु भगवान श्रीकृष्ण प्रेमर अवतार तुमको चाहती सुरभित होकर चाहती तुम्हें प्राप्ति हो तुम से मेहंतर हो तुम से पाद लगी तुमको से अनुरोध करुंट तुम्हें तांकर हुआ अर्थात राधाराणी भगवान कृष्ण एवं कृष्णचंद्र राधाराणी यह कामना करी गोपाल कृष्ण।
अति चमत्कार कविता आम ओडिया रागिणी रचित होती ए कविता गोपाल कृष्ण द्वारा अति चमत्कार भाव में वैष्णव्य भाव में रचना कर गोपाल कृष्ण तर श्याम को जुहार तार प्रेम को जुहार तार प्रेम रूल्य किए दे पार भगवान प्रेम केवल राधाराणी आज आम श्याम को जुहार तार प्रेम को जुहार जो ओडिसी संगीत विजयलक्ष्मी गान कले अति चमत्कार भाव में सुललित कंठ से गान कर भक्ति संगमर यही अध्याय शेष है आम पुणी आसंता अध्याय को जीवा से पुणी शुणा आउ गोटे चमत्कार भक्ति संगीत आज ये अध्याय शेष करुच्छू।